हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में ऑनलाइन शिकायत पोर्टल जैसे सीएम विंडो, केंद्रीकृत जन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली और सोशल मीडिया शिकायत ट्रैकर के कार्यप्रणाली की समीक्षा करने हेतु एक बैठक की समीक्षा की। गत दिसंबर 2014 में नागरिक शिकायतों को दूर करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली के रूप में सीएम विंडो की शुरुआत की थी। इस ऑनलाइन प्रणाली में 6 वर्षों में काफी प्रगति की है और इसके परिणाम स्वरूप राज्य सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति प्रदेश के लोगों का विश्वास कायम हुआ है। 1.1 लाख शिकायतों में से 82,000 शिकायतों का समाधान किया गया है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान इस ऑनलाइन शिकायत पोर्टल पर 4,591 शिकायत प्राप्त हुई, जिनमें से 4,265 शिकायतों का निपटारा किया गया। बैठक के दौरान यह भी बताया गया कि सोशल मीडिया पर प्राप्त नागरिक शिकायतों के त्वरित निवारण के उद्देश्य से SMGT प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया। इस प्लेटफॉर्म पर प्राप्त होने वाले अधिकांश शिकायतों का निवारण 48 घंटों के भीतर किया जाता है। बैठक में यह भी बताया गया कि बिजली, पानी की आपूर्ति, सीवरेज, सड़क की मरम्मत, पुलिस सहायता, पेंशन, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में शिकायतों को तत्काल हल किया जाता है। वर्ष 2017 में SMGT के लॉन्च के बाद से 1,13,041 शिकायतों को प्रक्रियाधीन कुल 1,25,873 शिकायतों में से हल किया गया है, जो कि 90% है। शिकायत को पोस्ट करने के लिए बस ट्विटर पर या बोतल को टैग करना होगा। बैठक में यह भी बताया गया कि SMGT ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कई शिकायतों का समाधान भी किया है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।